अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो एग्रो टूरिज्म के हिसाब से है। जैसे कि हमारा मेन प्रोफेशन जो है, हम रिसर्चर हैं और एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो उस हिसाब से मैं आज आप लोगों को लाया हूँ एक ऐसा फ्रूट जो आप लोगों ने बहुत ही कम देखा होगा, बहुत ही रेयर फ्रूट है, जिसको इंग्लिश में हम जैक फ्रूट कहते हैं, उर्दू में इसे कटहल कहा जाता है। बहुत कम फार्मिंग होती है, बहुत कम आपने मार्केट्स में भी देखा होगा। तो आज आपको हम वो फार्म विजिट कराने लाए हैं, जैक फ्रूट का फार्म। देखते हैं कि ये कैसे इसकी पैदावार होती है और कितने अरसे में ये तैयार होता है, क्या इसकी मार्केटिंग है, क्या कॉस्ट है, कैसा टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत ही रेयर है, बहुत कम लोगों ने मैं जानता हूँ कि खाया होगा। चलते हैं, विजिट करते हैं। ये देखे माशाल्लाह यार, ये है ये फ्रूट, माशाल्लाह कितना बड़ा साइज है इसका। हाँ भाई दानियाल, यार आप कुछ बताओगे इसके बारे में, यार ये क्या है? और यार इसको हम कहते हैं जैक फ्रूट ना। हाँ जैक फ्रूट। और वैसे हम अपनी आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं कटहल। हाँ कटहल। हाँ कटहल, ठीक है। वैसे जो देखा जाए तो ये कम से कम भी इसका जो वेट होता है 35 किलोग्राम तक होता है। माशाल्लाह एक अच्छा, ये 35 किलो का है। 35 किलो का, ठीक है। 35 से 26 मतलब एवरेजन 35 ही आता है इसका ना। तो यार ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मतलब ऐसे कि बहुत बड़े फैमिली के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसको यहाँ पे जो हम लोग जो इसको ला रहे हैं, ये अक्सर डेजर्ट में लोग वेजिटेबल में यूज करते हैं इसको। अच्छा। हाँ इसको वेजिटेबल में यूज करते हैं और ये ज्यादातर पाया भी एशिया में ही जाता है। अच्छा, तकरीबन। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब एशियन ओरिजिन है इसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देखा जाए तो एक जो नॉर्मल ट्री है वो कम से कम 150 से 200 ये जैक फ्रूट देता है। अच्छा। और जो पुराना ट्री है ओल्डर ट्री वो कम से कम 450 से 500 देता है। माशाल्लाह। अच्छा ये जब बड़ा होना शुरू होता है तो कितने सालों तक ये जो है ना फ्रूट नहीं देता, उसके बाद जो है फ्रूट देना शुरू करता है? तकरीबन 4 साल तक फ्रूट नहीं देता, उसके बाद ये फ्रूट देना, उसके बाद से फ्रूटिंग स्टार्ट करता है। माशाल्लाह। और ये पाकिस्तान में जो इसका सीजनल है वो मार्च से स्टार्ट होता है इसका, मार्च जून जुलाई। हाँ। उसके बाद इसका ऑफ सीजन होता है दिसंबर में, ये दो सीजन में देता है फ्रूट। अच्छा अच्छा अच्छा। पाकिस्तान में ये दो सीजन में फ्रूट देता है एज पर क्लाइमेट। अब ये मतलब तैयार है? बिल्कुल, अब रेडी है ये। इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट जो है बिल्कुल जैसे हम मैंगो लेते हैं, बनाना लेते हैं, उसी की शेप में इसका टेस्ट होता है। कलर भी उन्हीं की तरह होता है। मतलब ये ट्रॉपिकल टाइप का फ्रूट है? स्वीट कलर है इनका। ट्रॉपिकल टाइप का फ्रूट है बिल्कुल, ट्रॉपिकल। अच्छा इस तरह का एक और मैंने देखा कस्टर्ड एप्पल जिसको कहते हैं, वो छोटा साइज का होता है लेकिन उसकी जो अपना शेप है, जिल्द है, वो बाहर से ऐसी ही होती है शायद। उसका थोड़ा ग्राफ इससे थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, ग्राफ इससे बड़ा होता है। मतलब ये उसी टाइप का कुछ है। हाँ, उसके अंदर सीड भी होता है। हाँ, हाँ, सीड इसके अंदर सीड नहीं होता, इसका सीड इसके छिलके से है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी बिल्कुल। और ये इसकी कॉस्ट क्या होगी मार्केट में अगर इसको सेल किया जाए, या क्या? हमने नहीं देखा यार कहीं पे पड़ा हुआ। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये मेडिकल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। इसमें हाई रेजन ऑफ प्रोटीन भी है इसमें, जबरदस्त सही है। और फैट इसमें बहुत कम है, बहुत कम मिकदार में। तो ये फार्मर लगाते क्यों नहीं है यार? मसला ये है इसको फार्मर को लगाने का, एक तो टाइम पीरियड इसका ज्यादा है। हाँ। दूसरा एज पर इसकी सेलर मार्केटिंग नहीं है यहाँ पर। हाँ, ज्यादातर बिकता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये या तो मार्ट्स वगैरह में जा रहा होता है या डेजर्ट साइड एरियाज में जा रहा होता है। लोकल इसकी मार्केटिंग नहीं है। जैसे मैंगो है, बनाना है, अगर लोकल मार्केटिंग इसकी की जाए तो बेस्ट बेस्ट फ्रूट है ये इस टाइम का। आप अंदाजा लगाए ना, एक दरख्त अगर 200 दे रहा है फल तो आप उसकी प्रोडक्शन देखे ना कितनी होगी। बिल्कुल ऐसी है। हमारा बराबर वाला जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसमें इस टाइम पे 26,000 हेक्टर पर इसकी प्रोडक्शन हो रही है। 26,000 हेक्टर पर प्रोडक्शन हो रही है इसकी, जबरदस्त। और हमारे पास तो मैंने ये रेयर एक फार्म देखा है यहाँ पे इस रीजन में जहाँ पे हम आए हुए हैं। आपको हमारे पास ना होने के बराबर मिलेगा। हाँ, सिंध में मतलब 1 एकड़ 2 एकड़
मतलब कोई काउंटिंग नहीं है इसकी, मतलब हम ये रिकमेंड करें अपने फार्मर्स को कि यार ऐसी चीजें, ऐसी फल, ऐसे फ्रूट्स की तरफ आओ, साइड साइड इसको लगाते जाएं, आप इंशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है इसकी और ये आपको इनकम भी अच्छी करके देगा। जबरदस्त, चलें दूसरा फार्म देखते हैं, दूसरे फ्रूट देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह यार, ये तो येलो हुए पड़े, ये रेडी है मेरे ख्याल से ना। अच्छा माशाल्लाह येलो हो गया शेप में, ये 15 दिन और है ना। माशाल्लाह ये देखें यार, ये कितना फ्रूटिंग से भरा हुआ ट्री है ये माशाल्लाह से। अब तक जो अभी हमने ट्रीज देखे हैं उन सब में से ज़्यादा फ्रूटिंग इस ट्री में नज़र आ रही है माशाल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त फल, और ये येलो हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी है। दानियाल बता रहे हैं कि ये तकरीबन 10 से 15 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 32-35 kg इसके एक फ्रूट का जो है वो वेट है, मतलब एक फैमिली से भी ज़्यादा जो है वो इसको खा सकते हैं, 3-4 फैमिलीज मिलके एक फ्रूट को खा सकती हैं इसके वेट के हिसाब से। आप देख रहे हैं कितना डेंस, और नीचे तक ज़मीन की जो लेवल है वहाँ तक भी इसके जो है फ्रूटिंग आई हुई है। कोई ख़ास एरिया नहीं है, दूसरे फ्रूट्स में हमने ये ट्रेंड देखा है कि फ्रूटिंग एरिया जो है वो एक ख़ास हाइट पर शुरू होता है। इसके आप देख सकते हैं कि हर स्टेम में, हर जगह पे, हर बार्क में, स्टेम में और नीचे लेवल तक भी जो है आपको वो फ्रूटिंग नज़र आती है। ये देखें ये ट्री से भी बाहर निकल के ग्रो हुआ हुआ है, हाँ। तो भाई ये था जैक फ्रूट जो हमने आपको दिखाया, लगा हुआ है पीछे, बिल्कुल ऑलमोस्ट 10-15 दिन में तैयार होने वाला है। होपफुली आपको मज़ा आया होगा देखकर, और फार्मर हजरात को यही हमारी गुजारिश है कि भाई इस तरह के फ्रूट्स पे आएँ जिनकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है और ज़्यादा पैदावार देते हैं, अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से हट के थोड़ी सी फार्मिंग करें जिसका फ़ायदा भी है, जिसके बेनिफिट भी है, जो आपको लोअर कॉस्ट में अच्छा प्रॉफिट भी गेन करके दे सकता है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, इंशाल्लाह इसी तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे और कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री की और एग्रो टूरिज्म की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अकबर ख़ान को यहाँ से जैक फ्रूट के बाग से टंडोजाम रीजन से अल्लाह हाफिज़।